नमस्कार, मैं हरि किशन धीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरेवाड़ा। हम इस लेक्चर में परिचालन बिंदु प्रवेशिका, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा और अंतरित प्रवेशिका, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब हम लोग बेसिकली जाल का अध्ययन करते हैं या किसी विद्युत परिपथ का अध्ययन करते हैं, उसमें जो भी हमारे पास जाल होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा अपना जाल है, नेटवर्क है, ये हमारा जाल है। हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स लगे होते हैं, लगी होती है, लेकिन हमें पता है कि इसमें हमारे पास में अगर ये चपटा जाल है तो दो हमारे पास में इनपुट होंगी और दो ही हमारे पास में आउटपुट होते हैं, दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। इनपुट में हम लोग एक हमारे पास में विद्युत जनरेटर स्रोत होता है, इसको हम लोग E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इस परिपथ में यहाँ हमारे पास धारा आया है। हमारे पास जो आउटपुट है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जो निगम टर्मिनल है वहां पे हम लोग एक प्रतिबाधा ZL लगा देते हैं, यहाँ पे दोनों टर्मिनल होते हैं, ठीक। और इस परिपथ में हमारे पास जो धारा है वो हमारे पास I2 आ रहा है। तो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास में अगर जो वोल्ट था E2 आई, तो इस पे जेड पे वोल्ट था हमारी E2 है, ठीक है। हमारे पास कोई जाल है, हमने एक जेड लगाए यहाँ पे और इस परिपथ में धारा I1 है और जो निगम टर्मिनल है उनके सिरों पे हमने एक प्रतिबाधा लगाई जेड और प्रतिबाधा लगाने के बाद में परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं लोग इंग्लिश में ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस, ठीक है। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस, हम सबसे पहले इसको इस परिपथ में समझते हैं। हम लोग देखो, जो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, इस जाल के अंदर जितने परिपथ है उस प्रत्येक परिपथ के लिए डिफाइन होती है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। लेकिन हमारे जब ये जो दो निगम, जो दो निवेशी टर्मिनल है, क्या है, निवेशी टर्मिनल है हमारे पास में 1-1 और 2-2, ये तो निगम टर्मिनल है, ये निवेशी टर्मिनल है, निवेशी टर्मिनल, और ये हमारा निगम टर्मिनल है, क्या है, निगम टर्मिनल। तो ये 1-1 हमारा निवेशी टर्मिनल है और 2-2 हमारा निगम टर्मिनल है। अब हम लोग अगर इस पर्टिकुलर परिपथ के लिए हम लोग परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालें, तो उसको हम लोग निवेशी प्रतिबाधा कहेंगे, कि इस निवेशी परिपथ के लिए है। उसी प्रकार से हम लोग अगर ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस इसके लिए निकालेंगे निगम टर्मिनल के लिए, तो वो निगम प्रतिबाधा होगा, ओके। तो हम लोग परिचालन बिंदु प्रतिबाधा इस प्रकार से निकालते हैं, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालने के लिए जैसे हमारे पास में ये जाल है, हम लोग एक छोटा जाल लेते हैं समझाने के लिए। सपोज करो हमारे पास में ये E1 है, विद्युत जनरेटर,
उसके बाद हमारे पास ये चेयरमैन है, ये हमारे पास चेयर भी है, और ये हमारे पास चेयर एल है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक परिपथ आ गया, दूसरा परिपथ नहीं, हमारे पास और भी परिपथ हो सकते हैं, जैसे कि जाल के अंदर होते हैं परिपथ। तो हम लोगों को क्या करते हैं कि किसी परिपथ के लिए हम लोग अगर ड्राइविंग से डिफरेंस निकालते हैं तो सपोज तो हमारे पास है जेड जेड फोर है, ये हमारे पास जेड फाइव है, और ये हमारे पास में ई टू है। क्या है? ई टू है प्लस माइनस। हमारे पास में एक विद्युत जनित स्रोत ये है, एक स्रोत ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस पर्वत में हमको ड्राइविंग पॉइंट डिफरेंस निकालनी होगी तो क्या करते हैं, इस चाल में जहां पर भी हमारा जनित्र लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, अगर हमारे यहाँ पे भी जनित्र लगा हुआ तो हुआ होगा तब भी, या कहीं पे भी लगा होता है तो उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक जनित्र जी को लगा हुआ है, हम लोग इसके आंतरिक प्रतिबाधा से इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसकी आंतरिक प्रतिबाधा सपोज करो हमारे पास आर जीरो है, ठीक है, आंतरिक प्रतिबाधा से इसको हमने प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, निवेशी परिपथ में तो निवेशी वोल्टा और निवेशी धारा आयोग उसका अनुपात होगा स्क्वायर, हमारे क्या होगा सेड ड्राइविंग पॉइंट डिफरेंस होगी निवेशी परिपथ के लिए, जेड इन होगी हमारी कितनी होगी ई वन डिवाइड बाई आई वन। ये मैंने जस्ट एक परिपथ ड्रा करके बताया किस प्रकार से हम लोग ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस निकालते हैं। अगर इस परिपथ में हमारा जनित्र स्रोत लगा हुआ है और बाकी जगह भी लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। उसके बाद में हमारा निवेशित वोल्टा होती है और निवेशित धारा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं निवेशित परिपथ के लिए ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस कहते हैं। अब चूंकि ये निवेशित परिपथ के लिए है इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे निवेशी प्रतिबाधा कहेंगे। क्या कहेंगे? निवेशी प्रतिबाधा। ओके, ये हमारी निवेशी प्रतिबाधा होगी। उसी प्रकार से हम लोग अगर निर्गम प्रतिबाधा निकालें तो वो हमारी निर्गम प्रतिबाधा कितनी होगी जेड आउट इक्वल टू ई टू डिवाइड बाई आई टू। ये हमारी निर्गम उसी प्रकार से अगर हम लोग निगम परिपथ के लिए इस परिपथ के लिए हम लोग ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस निकाले तो वो हमारी निगम प्रतिबाधा कहलाती है। ये निगम प्रतिबाधा और निवेशी प्रतिबाधा जिस प्रकार से निकलेगी ये वो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ही होती है। इसी प्रकार से हम कह रहे थे कि जैसे हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में इतनी लगा हुआ है, ठीक है, और हम लोग के रूप नंबर टू है, के रूप नंबर वन, रूप नंबर थ्री। इसी प्रकार से हम लोग इस रूप के लिए भी ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस निकाल सकते हैं। इसके लिए निकालेंगे हम क्या करेंगे इस जनित्र को छोड़ के, बाकी हमारे पास वापस हम यहाँ जनित्र लगा देते हैं E2, ठीक है। जब हम लोग इस परिपथ के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे इस परिपथ के लिए परिकलन निरपथ पता निकालेंगे इस चरित्र को छोड़ के, बाकी दोनों चरित्रों को हम लोग उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा इसकी आंतरिक प्रतिबाधा आर वन और इसकी आंतरिक प्रतिबाधा हमारी आर टू है, ठीक है। इनसे हम इन दोनों चरित्रों को प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम लोग इस लूप के लिए ये जो चरित्र लगाया है उसके बाद में इस लूप में कितनी
करंट बह रही है, सपोज करो ये आई टू बह रही है, तो हमारा जो इसका ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस होगा वो ई थ्री डी आर आई टू होगा, ठीक है, इस पूरे तत्व में जो भी बह रही है। इस प्रकार से हम लोग प्रचलन का पता निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं आंतरिक प्रतिबाधा, और उससे पहले हम लोग प्रचलन विद्युत प्रवाह के साथ साथ हम लोग प्रचलन विद्युत प्रवेशिताओं देख लेते हैं। प्रचलन विद्युत प्रवेशिता परिचालन बिंदु, प्रचलन विद्युत प्रवेशिता, तो हम जानते हैं कि प्रतिबाधा होती है उसको व्यतिकरण क्या होता है, प्रवेशिता होती है, तो हम लोग इनका अगर व्यतिकरण कर देंगे तो हमारे पास में परिचालन बिंदु प्रवेशिता, ठीक है, ये क्या होगी हमारी निवेशी परिपथ के लिए परिचालन बिंदु प्रवेशिता होगी। अब चूंकि निवेशी परिपथ के लिए इसके हम लोग सुनते हैं इसको निवेशी प्रवेशिता बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग निवेशी प्रवेशिता कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, निवेशी प्रवेशिता। तो जिस प्रकार से हमारे प्रतिबाधा की गणना होती है, हम लोग किसी जाल के लिए ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस निकालते हैं, तब हम जाल के अन्य परिपथों में जहां पे भी विद्युत वाहक बल का स्रोत या वोल्ट का स्रोत लगे हुए हैं उनको उनकी या धारा स्रोत जो भी लगे हुए उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, और फिर उसके बाद में उस पर्टिकुलर परिपथ के लिए उसमें लगा हुआ जो विद्युत बल है वोल्टा सदृश वोल्टा और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा होती है उन दोनों का अनुपात हमारे सामने ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस होती है, और उन दोनों का व्यतिक्रम क्या होगा हमारा, उन दोनों का व्यतिक्रम होगा हमारा निवेशी प्रवेशिता। निवेशी परिपथ की ये निवेशी परिपथ के लिए है, निवेशी परिपथ की आएगी नहीं तो ये जिस भी पर्टिकुलर परिपथ के लिए जाते हैं हम लोग उस परिपथ की परिचालन बिंदु प्रतिस्थापित करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जैसे इस परिपथ के लिए ये निर्गम परिपथ है उसके लिए हम लोग निर्गम प्रवेशिता निकालेंगे, तो हमारी आईडी से वाई को इक्वल टू वन अपॉन चेयर इक्वल टू आई टू डिवाइड बाई ई टू, ये होगी हमारी निर्गम प्रवेशिता। निर्गम प्रवेशिता या निर्गम परिपथ की प्रचलन बिंदु प्रवेशिता या निर्गम परिपथ की परिचालन निर्गम परिपथ की प्रचलन बिंदु प्रवेशिता। तो इस प्रकार से हमारी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और परिचालन बिंदु प्रवेशिता, ये परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है और ये परिचालन बिंदु प्रवेशिता है, इनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी परिपथ में हमको परिचालन बिंदु प्रवेशिता या परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ज्ञात करनी है उसको छोड़ के बाकी परिपथों में जो वोल्टा स्रोत या विद्युत वाहक बल के स्रोत लगे हुए हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करते हैं, और फिर जिस परिपथ में हमको परिचालन बिंदु प्रवेशिता ज्ञात करनी है उसमें उसकी ऊर्जा और जो धारा होती है उसका अनुपात निकालते हैं लोग, तो उसकी परिचालन बिंदु प्रवेशिता प्रतिबाधा आ जाती है, और इसका हम लोग व्यतिक्रम करें तो हमारे पास में ये परिचालन बिंदु प्रवेशिता आ जाती है उस पर्टिकुलर परिपथ की। यहाँ पे ये हमारी निवेशी परिपथ निर्गम परिपथ की बात की है, इसलिए हम लोग इसको संगत नाम देंगे इसका निवेशी प्रवेशिता या निवेशी प्रतिबाधा, ठीक है। अगर हमारे ये परिपथ वन टू जो भी परिपथ ये वाला लूप है उसके लिए आता है तो इसके नाम लेते हुए इसकी प्रतिबाधा है या इसकी प्रवेशिता है। अब हम लोग
अब हम लोग यहाँ बात करेंगे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष प्रतिपदा और अंतरिक्ष प्रवेशिता, अंतरिक्ष प्रतिपदा और अंतरिक्ष प्रवेशिता। हम लोग क्या करते हैं, इससे हमारे जाल के अंदर बहुत सारे प्रतिपद होते हैं। हमने यहाँ पे विद्युत आवेशन स्रोत लगा रखा था, कौन सा, E1 लगा रखा था, यहाँ पे E3 है और यहाँ पे E2 है, ठीक है। ये हमारे 1, 2, 3 विद्युत वाहक बल स्रोत लगे हुए हैं, इस परिपथ में लगा हुआ है, एक इस परिपथ में लगा हुआ है, एक इस परिपथ में लगा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा नेटवर्क होता है वो बहुत सारे परिपथों का जाल होता है, तो हम बोल सकते हैं इसमें एक से ज्यादा विद्युत वाहक बल स्रोत अलग अलग परिपथों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी जेवे पास में, यदि किसी जेवे पास में विद्युत वाहक बल स्रोत, विद्युत वाहक बल स्रोत ईजे लगाने पर, अगर किसी जेवे पास में विद्युत वाहक बल स्रोत ईजे लगाने पर किसी केवे पास में धारा आईटी प्रवाहित होती है, ठीक है। अगर यदि किसी जेवे पास में विद्युत वाहक बल स्रोत ईजे लगाने पर यदि केवे पास में, फॉर एग्जाम्पल पास दो में विद्युत वाहक बल स्रोत ये लगाने पे इस परिपथ में अगर धारा आईटी प्रवाहित होती है तो, ठीक है। यदि किसी जेवे पास में ईजे विद्युत वाहक बल लगाने पर केवे पास में आईजे धारा प्रवाहित होती है जबकि अन्य विद्युत वाहक स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिपदों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो हम लोग ईजे डिवाइड बाय आईजे को हम लोग क्या कहेंगे, ईजे डिवाइड बाय आईजे को हम लोग जेड अंतरिक्ष प्रवेशिता कहेंगे, जेड टी जे टी, ठीक है। ये क्या हुआ, जेवे पाथ में ईजे स्रोत प्रयोग करने पे केवे पाथ में आईजे धारा प्रवाहित होती है, तो हम लोग इसको जे बाय के पाथ की अंतरिक्ष प्रतिपदा कहते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग केवे पाथ में क्या करेंगे, अगर हम लोग केवे पाथ में केवे पास में हम लोग ई के, केवे पास में हम लोग ई के विद्युत वाहक बल स्रोत प्रयोग करें और जेवे पास में हमारी आई जे धारा प्रवाहित हो, ठीक है, तो ई के डिवाइड बाय आई जे को हम लोग ई के डिवाइड बाय आई जे को हम लोग क्या कहेंगे, जेड टी के जे, क्या कहेंगे, के और जे की अंतरिक्ष प्रतिपदा कहेंगे, के और जे पास की अंतरिक्ष प्रतिपदा, ये हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष प्रतिपदा, अंतरिक्ष प्रतिपदा, ठीक है। एक बार फिर से बता सकते हैं, अगर जेवी पास में ईजे विद्युत वाहक बल स्रोत प्रयोग करने पर यदि केवी पास में आई की धारा प्रवाहित होती हो तो ईजे और आईटी का अनुपात जे बाय के पाथ की अंतरिक्ष प्रतिपदा कहलाती है। उसी प्रकार से यदि के और जे पास के पास में ईजे विद्युत वाहक बल स्रोत प्रयोग करने पर जेवी पास में आईजे धारा प्रवाहित होती हो तो ई के डिवाइड बाय आईटी का अनुपात हमारा के तथा जे पास में अंतरिक्ष प्रतिपदा कहलाती है। देखो तो यहाँ पे इसका क्रम उल्टा है, अगर हमारी जो ये प्रतिपदा है अगर ये द्विपाक्षिक है, यदि प्रतिपदा द्विपाक्षिक हो, यदि प्रतिपदा द्विपाक्षिक हो, अगर हमारी प्रतिपदा द्विपाक्षिक हो तो क्या होगा, जेड पी जे के इक्वल टू जेड पी के जे, अर्थात ये और ये दोनों बराबर होंगे अगर द्विपाक्षिक हो तो प्रतिपदा ईजे डिवाइड बाय आईके इक्वल टू ईके डिवाइड बाय आई जे, अगर ये प्रतिपदा द्विपाक्षिक है तो हमारा ये दोनों पास हैं जे के अंतरिक्ष प्रतिपदा के और जे के अंतरिक्ष प्रतिपदा के बराबर होती है, ठीक है। हम लोग अंतरिक्ष प्रतिपदा है उसी प्रकार से नौ अंतरिक्ष प्रवेशता निकाल लेते हैं यहाँ से, इसे ये इस परिपथ के लिए क्या होगा,
अगर जे भी पास में नीचे प्रयोग करने पर के भी पास में अगर आई के धारा को आई होती हो तो जे के पास की आंतरिक प्रतिपादक कितनी होगी, जैसे हम लोग उसको वाई के जे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू वन अपॉन जेड वाई टी है यहाँ वाई टी के जे इक्वल टू जेड टी जे के इक्वल टू आई के नियर बाय ईजे, ओके। उसी प्रकार से हम लोग के पास में ई के प्रतिपादक सूत्र लिखते हैं और जे पास में आई के द्वारा प्रवाहित होता है, तो हमारे जे जे के पास के लिए जे के पास के लिए सॉरी के और जे पास के लिए जो प्रवेशिता होगी वो होगी आंतरिक प्रवेशिता वाई टी के जे इक्वल टू वन अपॉन जेड टी के जे इक्वल टू आई जे डिवाइड बाई ई, ये हमारी आंतरिक प्रवेशिता होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस वाले पार्ट के लिए हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। इस वाले पार्ट में हमने विद्युत वाहक बल स्रोत ई वन लगा दिया और इसमें लगाया दिया और बाकी सब में हम लोग उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो हमारे लिए जो इस पास के लिए निवेशी निर्गम परिपथ है इसको हम लोग वन बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए तो हमारे पास में जो आंतरिक प्रतिबाधा आएगी वो कितनी आएगी, जेड टी वन इक्वल जेड टी वन, इसमें हम लोग ई वन प्रयुक्त किए, ई वन प्रयुक्त करने पर इसमें धारा आई टू प्रवाहित हुई, तो ये हमारी एक व दो परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा है। उसी प्रकार से दो तथा एक परिपथ की जेड टी टू वन, दो तथा एक परिपथ की, ये तो एक और दो परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा है और ये दो तथा एक परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा कितनी होगी, यहाँ पे हमारा ई टू है और यहाँ पे करंट आई वन है, तो ये हमारी ई टू डिवाइड आई वन होगी, ठीक है। अब इस पूरे नेटवर्क के अंदर अगर हमारी प्रतिबाधा है द्विपार्श्व प्रतिबाधा है तो इससे क्या होगा हमारा, इससे होगा जेड टी वन टू इक्वल टू जेड टी टू वन, इसका मतलब है कि हमारी ई वन डिवाइड बाई आई टू इक्वल टू ई टू डिवाइड बाई आई वन, ओके। ई वन डिवाइड बाई आई टू इक्वल टू ई टू डिवाइड बाई आई वन, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी E1 divided by E2 equal to R1 divided by R2, ये हमारे आंतरिक प्रतिबाधा से निकल के आता है कि E1 divided by E2 divided by R1 divided by R2, ये तो हमारी बात की बात है, लेकिन हम लोग समझे कि कैसे ये हमारी आंतरिक प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं, आंतरिक प्रवेशिता कैसे निकालते हैं, ये आंतरिक प्रवेशिता है, ये आंतरिक प्रवेशिता है कि यह जगह ये आंतरिक प्रवेशिता है के लिए के लिए ये जेव टी के लिए आंतरिक प्रतिबाधा प्रवेशिता ये जेव टी के लिए है और ये केवल के लिए, और उसी प्रकार से हमारी ये प्रचालन की प्रतिबाधा है और ये प्रचालन की प्रवेशिता है, इनको निकालने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है जिस पर कभी हम लोग निकाल रहे हैं उसके विद्युत आवर्त सूत्र के अलावा अन्य सभी परिपथों के विद्युत आवर्त सूत्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने के पश्चात हम लोग निकालते हैं। इस प्रकार से इसका ये हमारा प्रचलन की प्रतिबाधा, प्रचलन की प्रवेशिता, आंतरिक प्रतिबाधा, आंतरिक प्रवेशिता, इसका लेक्चर पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उदाहरण देखें, इसी उदाहरण से बताएंगे हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। हालांकि हमने ये जो इसका अंदर है चाल का प्रभाव उसको हमें पता नहीं है और फिर उसके बाद में हमने निकाले भी लिया ये हमारे और ये लेकिन हम लोग के लिए भी हम लोग